नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वहीं इस चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने इस चुनाव नतीजों में लगभग भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया है और आधा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। झटका देते हुए डॉक्टर कपिल खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। डॉक्टर कपिल खान पर लगे इस एक्ट को भी रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार में होने वाले इलेक्शन को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब बिहार में इस कारण से मजबूत हो गई है कांग्रेस और समीकरण भी निकलकर सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही ईवीएम का बड़ा मुद्दा उठा है। ईवीएम का बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि 2024 आखिरी चुनाव होगा। दोस्तों क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए क्या सत्ता में फिर से लौट कर आएगी, या फिर क्या कांग्रेस गठबंधन वाली यूपीए चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनाव में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए आधे से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस ने गुजरात में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप बता दें कि यहाँ पर 5 साल बाद कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड में बीते शनिवार को चुनाव हुए थे। आज आए हुए नतीजों में से कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने इस यूनियन को प्रतिनिधि करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में 11 में से 8 सीटें जीत ली है। आप बता दें कि यहाँ पर 5 साल बाद निदेशक मंडल चुनने के लिए चुनाव हुए हैं। आप बता दें कि अमूल डेयरी सोसाइटी विभाग परिसर में हुए मतगणना में मतार से भाजपा विधायक केसर सिंह सोलंकी संजय पटेल से हार गए हैं। वहीं पटेल ने साल 2017 में सोलंकी के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा आनंद से कांग्रेस विधायक कांति सोड़ा परमार ने यहाँ पर 41 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि बोरसद से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिन्हा परमार यहाँ के सीट पर जीत हासिल किए हैं। आपका एक कांग्रेस विधायक परमार यहाँ के अमूल के उपाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस के पार्टी के अन्य विजेताओं में खम्बास से सीता परमार, पेटलास से विपुल पटेल, कतलल से गीला जला, बाला सिनोर से राजेश पाठक और मोहम्मदवद से गौतम चौहान शामिल हैं। आपका बता दें कि आनंद ब्लॉक में कांग्रेस कांति सोड़ा को कुल 107 वोटों में से 41 वोट मिले, जिनमें से 3 वोट खारिज कर दिए गए थे, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोविंद परमार को 37 वोट मिले थे। इसी तरह से भारत सोलंकी को 24 वोट मिले हैं। नटवर सिंह चौहान और शिव परमार को 1-1 वोट मिला है। खम्बात में सीता परमार को 98 में से 73 वोट मिले हैं। वहीं बोरसद में रायन सिंह परमार की जीत कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अनुभवी नेता ने बोरसद ब्लॉक में सभी 93 वोट हासिल किए हैं। वहीं पेटलाद में कांग्रेस नेता विपुल पटेल को 45 वोट मिले हैं। यहाँ भी मतार से भाजपा विधायक केसर सिंह सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बाला सिनोर ब्लॉक में पूर्व कांग्रेस विधायक गौतम चौहान को 97 में से 50 वोट मिले हैं, जबकि अन्य लोगों को 26 और 21 वोट मिले हैं। वहीं इसी क्रम में कपड़गंज में शारदा बेन पटेल को 100 में से 52 वोट मिले हैं, जबकि नाडियाड में विपुल पटेल को 100 में से 58 वोट मिले हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने अमूल डेयरी के नाम से मशहूर प्रतिनिधि करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में कुल 11 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कपिल खान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कपिल खान को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है, साथ ही एनएसए भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड में आरोपी डॉक्टर कपिल खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके ऊपर योगी सरकार की ओर से लगाया गया एनएसए एक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने डॉक्टर कपिल को तत्काल रिहा करने का भी आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कपिल खान के मामले में जल्दी फैसला देने का आदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसी के बाद ही आज फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कपिल खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में विवादित बयान देने के मामले में डॉक्टर कपिल खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल
मथुरा जेल में है। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉक्टर कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ NSA के तहत मुकदमा लिखा गया था। आपको बता दें कि सरकार ने CA के विरोध में डॉक्टर कफील के भाषण को भड़काऊ माना था। कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान का भाषण हिंसा या नफरत बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और नागरिकों के बीच एकता बढ़ाने वाला था। अब इस रिहाई के फैसले को लेकर डॉक्टर कफील खान के भाई ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर कफील खान के भाई आदिल खान ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA रद्द कर दिया है। मैं हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और अदालत को धन्यवाद देता हूं। यह फैसला इतिहास में एक उदाहरण होगा। हालांकि अब डॉक्टर कफील खान को रिहा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया है, यानी उत्तर प्रदेश योगी सरकार की पुलिस को आदेश जारी किया है कि कफील खान को तत्काल रिहा करे। अब माना जा रहा है कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब इस कारण से कांग्रेस मजबूत हुई है, इसको लेकर समीकरण भी सामने आया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ पार्टियों द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव टालने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टालने से मना कर दिया था। चुनाव आयोग ने भी अक्टूबर या नवंबर में समय पर बिहार में विधानसभा चुनाव के होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि इस चुनाव को BJP, JDU और LJP के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और संयुक्त विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक जंग के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन दावा कर रहा है कि बिहार में इस बार बड़ा उलटफेर होगा, वहीं दूसरी तरफ NDA भी दावा कर रहा है कि एक बार फिर से उसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस में जारी उथल पुथल के दौरान कुछ नेताओं का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी पार्टी पूरे दमखम से तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन चुनाव की रणनीति बना रहे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी समान विचारों वाले दलों के साथ जल्दी गठबंधन होने के प्रति अस्वस्थ भी बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस के सहयोगी दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD कांग्रेस से अधिक मजबूत है, और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि राज्य में विपक्षी राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर सके। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व और अन्य मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मतभेद जाहिर होने से कांग्रेस का चुनावी समीकरण और सीटों के तालमेल का गणित थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का मानना है कि 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखे पत्र से उपजे विवाद से बिहार चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मामले में कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उचित चीजें उचित समय पर होती हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसी महीने से बिहार में कांग्रेस का चुनावी बुगुल फूका जाएगा। इसी मामले को लेकर शक्ति सिंह गोयल का कहना है कि राहुल गांधी यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, और उनका कहना है कि राहुल का नेतृत्व पूरे देश के लिए है और हम चाहेंगे कि बिहार में अधिक समय दें। जब पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इस बार पार्टी 41 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मदन मोहन झा ने जवाब देते हुए कहा है कि RSP के उपेंद्र कुशवाहा, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और नए सहयोगी दल भी कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आगामी हफ्तों में डिजिटल रैलियां भी करने वाली है। हालांकि बिहार के सभी नेता यह नहीं मानते हैं कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन शक्ति सिंह गोयल का दावा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में पूरी तरह से चुनाव प्रचार के लिए तैयार है। उनका कहना है कि समान विचार वाले दल साथ मिलकर लड़ें और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। गोयल का कहना है कि मुझे विश्वास है कि अच्छे वातावरण में हम गठबंधन का निर्माण करेंगे और पूरे दमखम से बिहार चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप बता दें मध्य प्रदेश उपचुनाव और बिहार चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने EVM का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर EVM मुद्दे को उठाया है। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए भारतीय राजनीति को लेकर चिंता जाहिर की है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि EVM भारतीय लोकतंत्र को तबाह कर रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसदीय चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 2024 भारतीय राजनीति का अंतिम चुनाव होगा अगर हम बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया पर दोबारा नहीं लौटे।
आपको बताए दिग्विजय सिंह ने कैरल कडवालर का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह बता रही हैं किस तरीके से फेसबुक के माध्यम से कैम्ब्रिज एनालिटिका चुनाव को प्रभावित करती है। उन्होंने अपने वीडियो के एक छोटे से अंश को ट्विटर पर साझा किया है। इस वीडियो को अब तक 60 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। इस वीडियो में वो चुनाव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए जाने वाले हेर फेर पर भी बात कर रही है। आपको बताए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम का लगातार मुद्दा उठ रहा है। ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाने का कई राजनीतिक दल विरोध भी कर चुके हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। हालांकि अब तक ईवीएम मुद्दे को जिसको दिग्विजय सिंह ने हवा दी है उस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपका गिरती जीडीपी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा हमला बोला दुआ है इसे भी एक टॉप गार्ड न कहा जाए। आपका कल शाम देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े ही चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में -23.9% की भारी भरकम गिरावट आई है। यह पिछले 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है और देश के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी बताया जा रहा है। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऐसे में तमाम तरह के सुर इस आंकड़े पर देखने को सामने आ रहे हैं और राजनेताओं से लेकर आम जनता तक इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जीडीपी के इस आंकड़े को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिस तरह से हमने जीडीपी के 23% -23% गिरने की दिल तोड़ने वाली खबर सुनी, दुर्भाग्यवश से यह 40 सालों में सबसे खराब गिरावट रही है। मुझे उम्मीद है और मैं दुआ भी करता हूँ कि इसे भी एक टॉप गार्ड यानी ईश्वर का कदम का जिम्मेदार न ठहराया जाए। दरअसल आपको बता दें कि एक टॉप गार्ड की बात शत्रुघ्न सिन्हा ने इसलिए की है क्योंकि हाल ही में पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस को ईश्वर का कृत्य यानी एक टॉप गार्ड बता डाला था। उनके मुताबिक कोरोना वायरस ईश्वर की देन है और इसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद वो विपक्ष के निशाने पे भी आ गई हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर उनकी खूब किरकिरी हुई। लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर सब कुछ भगवान की देन है तो सरकार की जरूरत ही क्या है। अब इसी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। बोला दुआ है इसे भी एक टॉप गार्ड न कहा जाए।